नमस्कार दोस्तों, यह सौरभ डॉग कैनल आपका अपना चैनल और आज हम फिर से बहुत जबरदस्त मजबूत मस्कुलर और बहुत ही प्यारा उमदा नस्ल का अमेरिकन बुल्ली आपके सामने लेके आए हैं। बहुत ही बढ़िया ब्लू एंड व्हाइट कलर है, ग्रे एंड व्हाइट भी आप इसको कह सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा बहुत नॉटी और बहुत प्यारा बच्चा है। ब्लू आइज है इसकी। हाँ, कितना काट लोगे तुम, कितना काटोगे? इसके नए नए दांत आए हैं तो इसके दांतों में इचिंग हो रही है तो ये काटना चाह रहा है। तो बेसिकली आज अमेरिकन बुली स्पेशल एडिशन है। वीडियो बहुत लंबी नहीं करूँगा तो बिना भगाए देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा ताकि आप छोटे से 90 सेकंड की वीडियो में बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें जान पाए। तो चलिए हम चलते हैं अपने अमेरिकन बुली की ओर। शरारती ज़्यादा हो रही है। अमेरिकन बुली एक ऐसी ब्रीड है जो देखने में पिटबुल जैसी दिखती है। अभी ये बच्चा जितना ही प्यारा दिख रहा है, जब इसके कान कट जाएंगे तो ये उतना ही खतरनाक दिखेगा। शॉर्ट क्रॉपिंग पे ऐसा दिखता है, मीडियम क्रॉपिंग पे ऐसा दिखेगा, तो पूरा लुक ही चेंज हो जाता है और फिर ऐसे छोड़ने पे ये प्यारा लगने लगता है। अमेरिकन बुल्ली बेसिकली 8 से 9 कलर्स में इंडिया में पाए जाते हैं। ब्लू, ग्रे, ब्लैक एंड वाइट, ग्रे एंड वाइट, महोगनी कलर, मड एंड वाइट, एश कलर, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, वाइट ब्लैक, ब्लैक एंड वाइट, इन सारे कलर्स में मिल जाते हैं। अब हम कैसे पहचानेंगे कि कोई पपी पिटबुल नहीं है और वो अमेरिकन बुल्ली है? क्योंकि पिटबुल अमेरिकन बुल्ली की तुलना में सस्ते होते हैं। पिटबुल ब्रीड जो है, या पिटबुल टेरियर या अमेरिकन पिटबुल टेरियर, पिटबुल में भी कई वेरिएंट होते हैं, 18,000, 20,000, 25,000 से 30,000 रुपए तक में मिल जाते हैं मैक्सिमम। अच्छे से अच्छा पिटबुल 30,000 में मिल जाएगा, सस्ते से सस्ते पिटबुल 15-16,000 में मिल जाते हैं। अमेरिकन बुल्ली कम से कम भी एक अच्छी क्वालिटी का 35-36,000 से शुरू होता है। इस क्वालिटी के बच्चे 40-42-43,000 रुपए तक आते हैं। तो हम कैसे अंतर करेंगे कि ये पिटबुल नहीं है, अमेरिकन बुल्ली है? तो सबसे पहली पहचान, अमेरिकन बुल्ली का हेड साइज पिटबुल के कंपैरिजन में बड़ा होता है। ये 32 डेज का बच्चा है, इसका हेड साइज काफी अच्छा है। अगर ये पिटबुल होता तो इतना सा होता। और दूसरी चीज, पिटबुल को जब आप ऐसे ऊपर उठाएंगे या सामने से देखेंगे तो इतना मजल नहीं दिखता जितने अमेरिकन बुल्ली में दिख रहे हैं। लटके हुए गाल, लटके हुए गलफड़े, ये होठ इसके अंदर फेस घुसा हुआ, तो ये बड़े आराम से पता चलता है कि ये अमेरिकन बुल्ली है। दूसरी पहचान, अमेरिकन बुल्ली 4 साइज़ में होते हैं। माइक्रो साइज बुल्ली, जो कि वोडाफोन पग से भी छोटे होते हैं, तो उनके पैर भी बड़े छोटे छोटे नन्हे नन्हे रहते हैं, जो कि इसके नहीं है। तो इसका मतलब ये माइक्रो साइज वाला बुल्ली नहीं है। दूसरी कैटेगरी जो आती है वो है पॉकेट साइज बुल्ली। तो पॉकेट बुल्ली या फिर मिनी बुल्ली के भी जो हाथ पैर होते हैं वो भी काफ़ी छोटे छोटे रहते हैं। हेड बहुत बड़ा रहता है, बॉडी लंबी नहीं रहती, शॉर्ट रहती है। तो इसकी बॉडी लंबी है, हेड भी बड़ा है और टांगे भी लंबी है, तो इसका मतलब कि ये पॉकेट बुल्ली भी नहीं है। तीसरी कैटेगरी जो आती है वो होती है स्टैंडर्ड या क्लासिक अमेरिकन बुल्ली। ये वाला पपी क्लासिक साइज का है या फिर हम कहें स्टैंडर्ड साइज का है। ये लैब्राडोर से थोड़े से छोटे और बल्की होते हैं, एक जर्मन शेफर्ड या लैब्राडोर की लेंथ तक जाते हैं। बहुत बड़े नहीं होते, बहुत छोटे नहीं होते, मीडियम साइज में काफ़ी बल्की डॉग होते हैं। तो ये क्लासिक साइज या स्टैंडर्ड साइज का अमेरिकन बुल्ली। एक इनसे भी बड़े वाले आते हैं, डबल एक्सएल या एक्सएल, वो रॉटवाइलर से भी बड़े होते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस अमेरिकन बुल्ली है इंडिया का, बाहुबली, बल्लाल देव, दीरा, जोया, ये 2 फीमेल 2 मेल ऐसे हैं जिसको पूरा देश जानता है, जिनके बच्चे 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख के बिकते हैं। तो ये लोग डबल एक्सएल के कैटेगरी में आते हैं। ये बेसिकली गब्बर का बच्चा है। गब्बर इज बहुत फेमस डॉग है राजस्थान का। अलवर जिले में गब्बर के मालिक रहते हैं, उनका नाम है मोहम्मद वसीम अंसारी। तो अंसारी साहब के यहाँ से आया है। मुस्लिम होते हुए भी वो बहुत तगड़ी ब्रीडिंग कर रहे हैं अमेरिकन बुल्ली और पिटबुल के। वो उनको शौक है खतरनाक कुत्तों को ही पालने का, और बहुत शानदार पपी उन्होंने भेजा है बनारस में हमारे पास। इत्तफाक से गब्बर को उनको हमने ही दिया था, तो गब्बर बनारस से गए और वहाँ जाके उन्होंने इनकी मदर, जो कि वसीम साहब की अपनी फीमेल थी, मेटिंग किया और वहाँ से फिर बनारस वापस गब्बर के बच्चे आए हैं। जब ये बड़ा होगा बहुत शानदार दिखेगा। फिर हम आप 1.5-2 महीने का जब ये हो जाएगा एक वीडियो आपको दिखाएंगे। अभी तो ये राजस्थान से आया है, इतनी दूर से, स्ट्रेस में है, थोड़ी शक्ल भी उतर गई है बेचारे की, थका भी हुआ है, हालांकि बदमाशी कम नहीं किया है,
पूरा बदमाश है, बहुत बदमाश है। सुबह सुबह मेरा जूता काट दिया, आते ही बोनी कर दिया। नया जूता था, एक ही बार पहना था, बट कोई बात नहीं, ये अनजान था। आज अगर ये नहीं होते तो शायद पैरों में जूते नहीं होते, आज अगर ये नहीं होते तो हाथों में अंगूठी, कुछ भी नहीं होता। तो ये जितना नुकसान करते हैं उससे 100 गुना मुझे दे देता है ऊपर वाला। तो कभी भी अगर आपके पेट घर में थोड़े बहुत नुकसान कर रहे हैं, झाड़ू काट दे रहे हैं, लटकते हुए चार्जर काट दे रहे हैं, मम्मी का दुपट्टा काट दे रहे हैं, चादर पे पॉटी कर दे रहे हैं, भाई कोई बात नहीं भाई, सफ़ेद वर्दी यानी डॉक्टर से तो बच रहे हैं, ये आशीष दे रहे हैं तो, काली वर्दी वकील से तो बच रहे हैं, इसको रोटी दे रहे हैं तो, खाकी वर्दी वाले महापुरुषों से तो बच रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से अपने जीवन में बहुत बेहतरीन बदलाव कर सकते हैं। मेरा दूसरा चैनल है ब्लॉगिंग सौरभ, उस पर मेरे पर्सनल थॉट्स वाले वीडियोज़ आते हैं, मोटिवेशनल वीडियोज़ आते हैं, वहाँ पे आप जाके फॉलो कर सकते हैं। ये डॉग का चैनल तो डॉग पे रहने दीजिए, मैं अक्सर भटक जाया करता हूँ। तो आज थका भी ज़्यादा हूँ, बोलूँगा भी नहीं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये छुटकू कैसे लगे। वीडियो पहली बार देख रहे हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हम हर दिन आपके लिए ऐसे प्यारे प्यारे वीडियोज़ लाते रहते हैं। बहुत प्यारा चैनल है हमारा यूट्यूब का सौरभ डॉग चैनल। आप सबके प्यार से सिल्वर प्ले बटन मिला है, जो कि यूपी में इकलौता मैं हूँ और पूरे इंडिया में सिर्फ 3 ऐसे डॉग इंडस्ट्री के चैनल हैं जिनके पास ये खिताब है। तो काफ़ी अच्छा लगता है आप लोगों के प्यार, सपोर्ट और भरोसे के कारण आज यहाँ तक पहुँच पाया। ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। छुटकू अब बाय करने जा रहे हैं, शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्त, ताकि लोगों के दिमाग में जो मिथ है कि अमेरिकन बुल्ली बहुत खतरनाक होते हैं, मालिक के नहीं होते, काट लेते, इन सारी धारणाओं से ये प्यारा सा बच्चा, ये प्यारी सी ब्रीड निकल पाए। ये बिल्कुल खतरनाक नहीं होते, ये उतने ही सीधे शरीफ और समझदार हैं जितना कि आपका लैब्राडोर या जर्मन शेफर्ड। बाकी कमेंट करके बताइए, आपका सौरभ आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।